नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौखट और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा चुनावों के रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और हम चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें आपको कि जो बड़ी अपडेट आ रही है वो बिहार से आ रही है। बिहार में इस बार एनडीए गठबंधन का जादू चल चुका है। जी हाँ, वैसे तो एनडीए जो है वो बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने अपने 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, 282 के रिकॉर्ड को, और अब 330 पार हो चुका है एनडीए का आंकड़ा अगर शुरुआती रुझानों के मुताबिक देखा जाए। लेकिन बात अगर बिहार की जाए तो बिहार में भी स्पष्ट जीत लेकर आगे निकल रही है यहां पर भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी दल जो है एनडीए की सरकार। जेडीयू, एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों ही पार्टियां एक साथ लड़ रही थी और बिहार में 40 में से 38 सीटों पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है। 17-17-6 का रेशियो यहां पर रखा गया था, 17 पर बीजेपी, 17 पर जेडीयू और 6 सीटों पर एलजेपी। रामविलास पासवान की ये पार्टी है और कहीं ना कहीं सिर्फ 2 सीटों पर आरजेडी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है और बड़ी बात यह है कि सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह के अगर शुरुआती रुझान देखें तो तनवीर हसन आगे थे, गिरिराज सिंह पीछे थे, फिर ऐसा लगा कि शायद कन्हैया कुमार जो है वो आगे निकल सकते हैं आगे के रुझानों में, लेकिन कन्हैया कुमार फिलहाल दूसरे नंबर पर है। खबर ये आई कुछ देर पहले कि करीब 65,000 वोटों से आगे है गिरिराज सिंह, एक हॉट सीट बची बनी हुई थी और कन्हैया कुमार को लेकर कई फिल्म स्टार्स आए थे और कई लोगों ने यह कहा था कि नहीं भैया, कन्हैया कुमार को जिताइए, एक बेटे को जिताइए, भूमियार वोटर्स का जो वोट बैंक था वो खींचना जरूरी था, गिरिराज वर्सेस कन्हैया की लड़ाई थी। लेकिन यहाँ पर कन्हैया जो है वो पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, गिरिराज सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ जीत की ओर बढ़ चुकी है एनडीए की सरकार और यहां पर अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में सत्ता पर जो है वो काबिज हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि इस बार प्रचंड बहुमत तो मिल ही रहा है एनडीए को, लेकिन बिहार में इस तरह की उम्मीद नहीं थी। पूरे तरीके से बिहार को अपने नाम किया है। 38-2 का सिनेरियो है, 38 पे एनडीए आ गया है और 2 सीट आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लालू यादव अभी है नहीं, उसके बावजूद यहां पर आरजेडी का प्रदर्शन बहुत हम खास नहीं मानते हैं जिस तरह से अभी शुरुआती रुझान सामने आया। अब देखना है कि शाम तक बिहार में और कितनी सीटें, क्या पता 40-40 रेशियो हो जाए। यही हाल मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पर शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट पर पीछे चल रहे हैं। तो अब देखना है कि आगे और कौन बाजी मारता है। वैसे लगभग रुझानों में साफ नजर आ रहा है, तस्वीरें साफ हो चुकी है कि एनडीए अपनी सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल खबरी चौखट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रखेंगे चप्पे चप्पे पर नजर।